दोस्तों, एसासिनेशन और हिटमैन के ऊपर तो आप सभी ने बहुत सारे मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जो कि ऑल टाइम हिट रही है एसासिन और हिटमैन कैटेगरी में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में, और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, द मैकेनिक। मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर, ड्रामा एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है आर्थर से, जो कि एक कोल्ड ब्लडेड किलर हैं, लेकिन उन्हें ही मारने के लिए कुछ लोग हायर किए जाते हैं। और मूवी में के लास्ट तक वो अपने आप को असैसिनेशन होने से बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 9, वैलकरी। मूवी रिलीज की गई थी 2008 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा, थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी आपको ले जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जहां पे नाजिम्स ऑफिसर हिटमैन को मारने के लिए कुछ प्लान बनाते हैं। मूवी में के लास्ट तक नाजिम्स के ऑफिसर उस प्लान को सक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 8, हिटमैन। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा, क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एजेंट 47 से, जिन्हें हायर किया जाता है एक हिटमैन के लिए, लेकिन मूवी में लास्ट तक वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि रिलेटेड रहती है वहां के पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से। मूवी में लास्ट तक क्या वो अपने आप को उस पॉलिटिकल एक्टिविटी से बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 7, शूटर। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर, ड्रामा एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है बो ली से, जो कि एक स्नाइपर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन उनके पास एक प्लानिंग आती है जिसमें प्रेसिडेंट को मारना होता है, लेकिन उनके पहले ही प्रेसिडेंट को कोई मार के चला जाता है और पूरा का पूरा दोष बो ली पर आ जाता है। मूवी में लास्ट तक क्या वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 6, निंजा असैसिन। मूवी रिलीज की गई थी 2009 में और मूवी बेस्ड है क्राइम, थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है रोजियो से, जो कि अपनी असैसिन्स के ग्रुप को छोड़ चुके हैं, लेकिन असैसिन्स के ग्रुप उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है, इवन उन्हें मारना चाहती है। मूवी में लास्ट तक क्या रोजियो अपने उस असैसिन्स के ग्रुप को खत्म कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 5, द ब्यूरन आइडेंटिटी। मूवी रिलीज की गई थी 2002 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री, थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है ब्रूनी से, जो कि अपनी याददाश्त खो चुके हैं, लेकिन उन्हें मारने के लिए कुछ लोग हमेशा से ही रेडी रहते हैं, या फिर वो कहीं भी जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। और इस मिस्ट्री के पीछे क्या चीज छिपी हुई है या फिर इसके पीछे कौन कौन लोग छिपे हुए हैं, कंप्लीट मूवी में ब्रियन इसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 4, कोलैटरल। मूवी रिलीज की गई थी 2004 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा, क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है मैक्स से, जो कि एक कैब ड्राइवर हैं और वो एक पैसेंजर को हायर करते हैं या फिर लेते हैं, और बाद में उन्हें जब पता चलता है कि वो पैसेंजर एक्चुअली एक असैसिन है तो वो चौंक पड़ते हैं। मूवी में के लास्ट तक मैक्स अपने आप को उस असैसिन से बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 3, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा, क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एंटोन से, जो कि एक क्रिमिनल रहते हैं और वो कुछ पैसे छुपा के रख देते हैं एक पेड़ के नीचे, और उन्हीं पैसे को फिर से वो निकालने के लिए कितने लोगों की मर्डर करते हैं इस मूवी में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है। मूवी को बेस्ट पिक्चर के लिए एकेडमी अवार्ड भी मिला है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 2, वांटेड। मूवी रिलीज की गई थी 2008 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर, एक्शन एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है विजली से, जो कि नॉर्मली अपने लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उन्हें पता चलता है कि वो एक असैसिन के बेटे हैं। मूवी में के लास्ट तक विजली अपने फादर का बदला ले पाते हैं उन असैसिन से या फिर नहीं ले पाते हैं। मूवी एक्शन प्रूफ है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे मेरी फेवरेट मूवी जॉन विक। मूवी की फर्स्ट चैप्टर रिलीज की गई थी 2014 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री, क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है जॉन विक से, जो कि अपने हिटमैन लाइफ से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अचानक से ही उनके लाइफ में कुछ गैंगस्टर आते हैं और वो फिर से हिटमैन की लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। मूवी में लास्ट तक वो कहां जाके रुकते हैं या फिर हिटमैन की लाइफ वो चालू रखते हैं, इसी को दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है और इसके एक्शन भी
भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए काउंटडाउन के साथ, नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।